प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के अतिक्रमण हटाओ मुहिम प्रशासन के ठंडे बस्ते में डाल दी है, जिसके चलते आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों के जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है। यहां तक कि लोग शासकीय संपत्ति तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला शिवपुरी जिले के पौरी अनुभाग के ग्राम अतिबी का है, जहां प्रशासन के नाक के नीचे महीने से दबंग अतिक्रमण कर रहे हैं। वहीं प्रशासन कागजी कार्रवाई दिखाकर इतिश्री करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा ठोस कार्रवाई न होने के चलते अतिबी के उप सरपंच हंसराज यादव सहित ग्रामीण जन पौरी तहसील के सामने धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि इस धरने के बाद भी प्रशासन के लोगों से बात ना करते हुए धरने को अवैध करार दे दिया। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हंसराज यादव, ग्राम पंचायत अतबी। कहाँ? अतबी से आ रहे हैं जी। आप यहाँ धरने पे बैठे हो तहसील पे, क्या कारण रहा है? सर जी, गांव की बहुत बड़ी समस्या है, उसमें अतिक्रमण इतना हद से ज्यादा हो गया, तो बेमनुष्यता आप उसमें मर जाए। तहसीलदार साहब को 2 साल के हम एप्लीकेशन दे रहे हैं जी, हमारे पास एप्लीकेशन प्राप्त भी हैं, अगली साल की भी हैं, जन सुनवाई में भी दे चुके हम, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमें मजबूरन धरना पे आके बैठना पड़ा है। मुख्य क्या मांगे हैं जो आपकी, जो मुख्य जे मार, हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है, ये है कि अतिक्रमण हट जाए पूरे गाँव, सरकारी भवनों पर कब्जा, सरकारी तालाब पर कब्जा, सभी पर कब्जा। 3 महीना से मवेशी हमारी ये कि दो गरीब। क्या यहाँ प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं कर रहा? सुनवाई नहीं कर रहा। आप कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक हम बैठे रहेंगे। मैम, ग्राम पंचायत अतबी के कुछ लोग यहाँ तहसील कार्यालय पहुंचे हैं और वो धरने पे भी बैठे हैं। उनकी एक मांग है, सार्वजनिक रूप से शासकीय संपत्ति पे लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उसे हटाया जाए। मैम, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, और आपके द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की जी? इनके द्वारा जो हमें आवेदन दिया गया था अतबी पे चल रही भूमि अतिक्रमण के संबंध में, तो हमने उसमें जाँच करवाई थी। 48 लोगों को उस संबंध में नोटिस भी जारी किए गए हैं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी प्रचलित है। और इनके द्वारा जो आज धरना दिया गया है वो बिल्कुल अवैध है, क्योंकि ना ही इन्होंने कोई धरने की परमिशन ली है और ना ही पूर्व में कोई सूचना दी। क्या मैम, इन लोगों की अभी कोई सुनवाई की जाएगी यहाँ? यदि वो अपनी मांग रखते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, तो बिल्कुल की जाएगी, और जो इन्होंने पहले मांग की थी उस पर सुनवाई की भी जा रही है।